बताइएगा कितने दिनों से यहाँ पे लोग जो जनप्रतिनिधि है, आरटीपीएस काउंटर है और जो भी यहाँ विकास मित्र, कितने दिनों से यहाँ नहीं आते? वही लगभग जब से ये बना है तब से 26 जनवरी या 15 अगस्त या कोई भी पार्टी फंक्शन होता है तो यहाँ पे लोग आते हैं और बस पार्टी फंक्शन करके वो लोग निकल जाते हैं। अच्छा, एक आज तक कभी नहीं बैठा है? देखिए, खाली झंडा फहराने आता है 15 अगस्त में और 26। वाह, तो है पर ऐसा होता है ना हमारे समाज में कि जो काम के लिए वोट लेते हैं वो काम करते नहीं है, वोट ले लेते हैं हाथ पैर जोड़ कर, मना कर, रुपया पैसा खिला कर, दारू ताड़ी शराब लेकर, मतलब ये सब करते हैं। देख रहे हैं ना हमारे कैमरा के माध्यम से, देखिए कि जो पैसे खा जाते हैं और काम नहीं कर पाते। अच्छा, आपके परिवार को इंदिरा आवास मिला है? जी सर, मेरे परिवार को इंदिरा आवास तो नहीं मिला है, हम लोग 9 परिवार है और अभी तक के मेरे घर में मकान टूटा हुआ है, पानी गिरता रहता है, हम लोग भीगते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं मिला है। देखिए, एक गरीब युवा, शोषित वंचित युवा सरकार भवन बनाने के लिए, पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 1 करोड़ से ऊपर रकम दिया जाता है, लेकिन गरीब के ऊपर माथा के सर के ऊपर छत बनाने के लिए जब पैसा आता है तो उनके अधिकारी से लेके, उनके जनप्रतिनिधि से लेके बंदरबांट कर लेते हैं। मैं मिट्टू, नया बिहार न्यूज से। आज हम आए हैं पंचायत सरकार भवन, ग्राम पंचायत राज कनौली, मिशन परसी, प्रखंड महुआ, जिला वैशाली। अब चलिए हम दिखाते हैं इसका दशा और दुर्दशा। जब इस पंचायत भवन में आप आइएगा तो इसका दशा और दुर्दशा देखिए। ये जो पंचायत सरकार भवन है, ग्राम पंचायत राज कनौली मिशन परसी का, आप देख सकते हैं इसका जो शीशा, इसमें जो ग्लास लगाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर तो है लेकिन इसमें ग्लास खोल लिया गया है, कि क्या नहीं लगाया गया है ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर मिठाई का पैकेट है। इस पंचायत भवन में अधिकारी होना चाहिए था लेकिन मिठाई के खाली पैकेट सजाई गई है और कहीं ना कहीं सरकारी ये धब्बा मारने का कार्य किया गया है। यहाँ होना चाहिए आरटीपीएस काउंटर, जहाँ पे लोगों का समस्या सुना जाता, जहाँ पे लोगों का हर चीज़ का कार्य होता। जो आज बच्चे लोग, जो यहाँ के लोग साइबर कैंप में जाते हैं वो साइबर कैंप में नहीं जाते, ये आरटीपीएस काउंटर के अंदर जाते और आरटीपीएस में उनका जन्म प्रमाण पत्र से लेकर, आय प्रमाण पत्र से लेकर, जाति प्रमाण पत्र से लेकर हर चीज़ बनता। आप आइए, हम दिखाते हैं और हमारे कैमरा के माध्यम से आप देखना नहीं भूले। आप देख लीजिए सर, पर्सी पंचायत का जंगल, जब इसके अंदर आप आइएगा तो गेट का काम करता है, इसके अंदर कोई भी लोग घुस सकते हैं। हम जब इसके अंदर जाते हैं तो आइए दिखाते हैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से। लिखा गया है कि मेरा भारत महान है, वास्तविक है कि मेरा भारत तो महान है, लेकिन इस पंचायत के जो लोग जनप्रतिनिधि से लेके जो ब्लॉक के पीडीओ पीपीआरओ जो भी है सीओ, उनका यह सबसे बड़ा थप्पा मारने का काम है। इस पंचायत भवन के लिए अप्रोक्स 1 करोड़ 24 लाख से लेकर 34 लाख तक रुपया आता है और ये भवन का जर्जर स्थिति आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से, कि गेट पे ताला तो लगी हुई है लेकिन साथ में मकड़ा का जाल भी। इधर देख लिया जाए कि जो दशा है दुर्दशा है, हमारे कैमरा के माध्यम से देख लिया जाए कि ये गंदगी, स्वच्छ भारत कहते हैं ना तो स्वस्थ भारत कैसे बनेगा, इस पंचायत स्वस्थ कैसे बनेंगे, स्वस्थ कैसे बनेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें से खुला हुआ तार है, अगर भूले न भट्टी वो टूटा हुआ है ये, उसके अंदर से आ जाए और कोई भी लड़का इसमें हाथ डाल दे तो फिर उस लड़का का जीवन के साथ क्या होगा। ये पंचायत का सबसे बड़ा आरोप है, ये मिशन परसी पंचायत जो वैशाली जिला का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ये लग रहा है कि थूक है कहीं ना कहीं शिखर का, गुटका का दिया हुआ, यहाँ एसके लिखा हुआ है दीवार पर, सही ढंग से अधिकारी देख नहीं रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, लगभग लग रहा है कि 2 सालों से जंजीर बंधी हुई है, इसके अगल बगल पूरे जंगल है, आप देख सकते हैं अंदर शौचालय है लेकिन शौचालय का गेट खुला हुआ है, कोई उसे देखने वाला है नहीं, कोई सफैया करने वाला है नहीं। हम ऊपर की ओर चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ का स्थिति, फिर वही हाल है, शॉर्ट सर्किट से लोग मरेंगे, बचेंगे क्या होगा इसका जानकारी हम देंगे। क्वालिटी आप देख सकते हैं अभी ही टूट रहा है, अभी ही इसका जंजर स्थिति है। जब हम ऊपर की ओर आए
इस पंचायत सरकार भवन में, तो सिर्फ जाल ही जाल लग रहा है। यही जाल में पंचायत के लोगों को फंसाने का काम चल रहा है। हमारे कैमरा के माध्यम से देखिए, गेट खुला हुआ है, हर चीज है, लेकिन इसके अंदर कोई जवाब नहीं के अधिकारी नहीं बैठे हुए हैं। इसके अंदर टूटी हुई तार, टूटी हुई बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। फिर अगले कमरे में हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये भवन कहीं ना कहीं लोगों को बड़गड़ा रहा है। ये भवन आरटीपीएस काउंटर है, यहाँ पे कृषि सलाहकार होना चाहिए, यहाँ पे विकास मित्र होना चाहिए, यहाँ पे जनप्रतिनिधि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है साहब। यहाँ पे सब लोग के सब लोग गायब है, देख सकते हैं। इधर भी दिखा दे रहे जो दुर्दशा है, दशा है, आप देख लिया जाए। हम यहाँ के युवा से पूछना चाहेंगे कि बाबू कितने दिन से यहाँ के लोग यहाँ जो बैठते हैं आरटीपीएस काउंटर सब पर जो लोग आते हैं नहीं आ रहे हैं, बताइए। अरे बता दीजिए, शर्माइए मत, बताइए। आज तक कभी नहीं बैठा है, देखिए। खाली झंडा फहराने आता है 15 अगस्त में और 26 जनवरी। वाह, इन्होंने कहा, युवा ने कहे कि सिर्फ झंडा तोलन करने आते हैं, मेरा भारत महान है। उसके बाद पंचायत में, पंचायत सरकार भवन में न जनप्रतिनिधि, न आरटीपीएस काउंटर, न विकास मित्र, न कृषि सलाहकार, कोई लोग नहीं आते। समस्या तो पंचायत के बहुत सारे होंगे। पंचायत भवन बनाने का मतलब है कि समस्या का हल करने का भवन, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मेरा भारत महान है 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ झंडा तोलन करने के लिए आते हैं, लेकिन गांव के जो गरीब गुरबे का समस्या है उसे यही मकरे की जाल और ये जो दुर्दशा है ना, ये आप देख रहे हैं ना किस तरह से झरझर रहा है, टूट रहा है, जर्जर स्थिति। अप्रोक्स 1,34,00,000 रुपए तक आता है इसको बनाने के लिए। बाबू सिर्फ पैसे की बंटवारा होता है या गरीब गुरबे लोगों को आंख में धूल झोंकने का कार्य होता है, हम जानना चाहते हैं यहाँ के लोगों से। भाई साहब आप बताइएगा, कितने दिनों से यहाँ पे लोग जो जनप्रतिनिधि है, आरटीपीएस काउंटर है और जो भी यहाँ विकास मित्र, कितने दिनों से यहाँ नहीं आते? वही लगभग जब से ये बना है तब से, 26 जनवरी या 15 अगस्त या कोई भी पार्टी फंक्शन होता है तो यहाँ पे लोग आते हैं और बस पार्टी फंक्शन करके वो लोग निकल जाते हैं। अच्छा एक बात भैया बताइए, आप लोग युवा है, आप वोट देते हैं, किसी को जिता देते हैं, उस पर आप पूछते नहीं हैं कि हमारे समाज के लिए, हमारे पंचायत के लिए क्या कर पाते हैं? पूछते तो है, पर ऐसा होता है ना हमारे समाज में कि जो काम के लिए वोट लेते हैं वो काम करते नहीं है, वोट ले लेते हैं हाथ पैर जोड़ कर, मना कर, रुपया पैसा खिला कर, दारू ताड़ी शराब लेकर, मतलब ये सब करते हैं। देख रहे हैं ना हमारे कैमरा के माध्यम से देखिए कि जो पैसे खा जाते हैं और काम नहीं कर पाते। अच्छा आपके परिवार को, आपके परिवार को इंदिरा आवास मिला है? जी सर, मेरे परिवार को इंदिरा आवास तो नहीं मिला है, हम लोग 9 परिवार है और अभी तक के मेरे घर में मकान टूटा हुआ है, पानी गिरता रहता है, हम लोग भीगते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला है। देखिए एक गरीब युवा, शोषित वंचित युवा सरकार भवन बनाने के लिए, पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 1 करोड़ से ऊपर रकम दिया जाता है, लेकिन गरीब के ऊपर, माथा के सर के ऊपर छत बनाने के लिए जब पैसा आता है तो उनके अधिकारी से लेके, उनके जनप्रतिनिधि से लेके बंदर बांट कर लेते हैं। इनका जब बयान सुनिएगा ना तो सर से पसीना गिरने लगेगा, आंख से आंसू गिरने लगेगा, लेकिन वो घड़ियाल आंसू बहाने वाले अधिकारी और नेता कहा जाएंगे जो वोट के समय नोट देते हैं और वोट लेने का काम करते हैं। उन लोगों से हम कहना चाहते हैं, इन गांव के पंचायत लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे न्यूज के माध्यम से, हमारे नया बिहार के माध्यम से अगर आप वीडियो देखिएगा तो इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, और वैसे अधिकारियों पे, वैसे जनप्रतिनिधियों पे आप अपना छाप छोड़िए और कमर कस के बोलिए कि नहीं अब हमारे पंचायत में विकास चाहिए, नहीं तो यही पंचायत सरकार भवन के तरफ विनाश नहीं चाहिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपके घर में इंदिरा आवास शौचालय कुछ मिला है? नहीं मिला। आप कहाँ, आपका घर क्या है? बगल में। पापा का नाम क्या है आपका? गुड्डू पटेल। कितने भाई है आप? दो। पढ़ाई लिखाई करते हैं? कौन स्कूल में पढ़ाई लिखाई? सरकारी स्कूल। कौन सरकारी स्कूल? बगल में। पढ़ाई होता है वहाँ? खाना में क्या क्या मिलता है? खाना में दाल चावल से मिलता है, अंडा वंडा मिलता है, सब्जी वब्जी अच्छा से। चलो ठीक, आप सरकार से क्या कहना चाहिएगा? जो भवन है इसमें कुछ टूटा फूटा नजर आ रहा है, कहीं थूक तो कहीं देख लीजिए, गुटका देख लीजिए, यही पंचायत भवन है जनाब, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। यहाँ पे तो लोग का समस्या नहीं सुना जाता है, लेकिन सिगरेट पीने का सबसे बड़ा पंचायत सरकार भवन है।
ये शिखर का पुड़िया आप देख सकते हैं, शिखर खाने का पंचायत सरकार भवन है। छी, ऐसे अधिकारी और ऐसे सरकार को तो जांच करने का विषय है मिसर पर्ची पंचायत का, जो वैशाली जिला में है। यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं, अभी भी तो अधिकारी को जागना होगा और जगाना होगा। काहे नहीं जागते हैं, काहे निर्दय भावना से आप भाव को देखते हैं। 1 करोड़ से ऊपर लगता है इस पंचायत भवन में, यही शिखर खाने के लिए, यही गुटखा तमाकुल बैन करते हैं, यही सिगरेट करने के लिए। आप यहाँ के लोगों को समस्याओं को देखिए और पंचायत भवन को सही रूप से यहाँ के जो अधिकारी है वो आए और समस्याओं को हल करे। यही इन लोग का समस्या हल तभी जाकर होगा और तभी जाकर पंचायत का विकास होगा, तभी जाकर गांव का विकास होगा, तभी जाकर बिहार एक इतिहास के रूप में कायम करेंगे और एक नया बिहार बनेगा। आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं इस पंचायत भवन के लिए? मैं यही मांग करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो ये पंचायत भवन खुला है तो इसमें जो कार्य के लिए खुला है वो कार्य होए और हमारे ग्राम पंचायत सेवक को सबको सेवा का आवश्यक मतलब मिले सबको, ताकि सब सुरक्षित रह पाए और सबका काम हो सके। अच्छा। बारी बारी से अपना सब काम करवा सके और सबको सुविधा मिले, मैं यही अपना सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ। आपका नाम पूरा क्या हुआ? जी मेरा नाम हुआ पूरा राजा बाबू कुशवाहा। कुशवाहा, मैं कुशवाहा जाति से हूँ, वार्ड नंबर 12 से हूँ। हमारे घर में भी बहुत सारा वार्ड सब आया है और क्या बोले जे नल जल लगा कर 2-3 महीने गड्ढे खोद कर छोड़ दिए हैं, उसके बाद भी फिर बोलने पर गाली देने पर मारने के लिए दौड़ते हैं, धमकी देते हैं, बोलते हैं कि नहीं करूंगा तो क्या कर लेगा, बहुत सारा बोलते हैं। सुन रहे हैं ना, सबको बात सुनकर दबे हुए रहते हैं। कुशवाहा जी का दर्द समझ रहे हैं ना, एक तरफ पटेल जी का युवा है, समझ रहे हैं ना क्या दर्द होता होगा इनके अंदर, क्योंकि आवास अभी तक तो मिला नहीं, गाय से मिला है, दरवाजा पर कल नहीं है, इसको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसके पास झोपड़ी है, मराई का झोपड़ी। आप क्या है, आपका नाम क्या है? नितेश कुमार पटेल है। आप, आपका क्या समस्या है भाई साहब? मेरा थोड़ा पर कॉल नहीं है ना, नल जल नल जल भी नहीं, नहीं। नीतीश बाबू आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है ना नल जल, मेन रोड। इन पटेल भाइयों का आग्रह है आपसे कि कम से कम कल नहीं है ना तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट नल ही लग जाता ना तो इनका समस्या हल हो जाता इन भाई साहब का। खैर, आपके अधिकारी अब जगेंगे या नहीं जगेंगे, लेकिन हम रेलेंगे भी और जगाएंगे भी। इसीलिए नया बिहार चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले, देखना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूले, शेयर भी करना ना भूले। सुनते रहिए मिठू ठाकुर के साथ, हमारे साथ सहयोगी कैमरामैन सनोज कुमार। धन्यवाद।